अरे भाई हुआ ना अभी ऑर्डर हुआ है ना अभी बता दो भाई ने ट्रांसफर कर दे इसे ये हमें जोमेटो से 100 दिन में 1,00,000 रुपए कमाना है। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी भाई टाइम हो रहा है 3:30। आज हम जोमेटो में भाई 4 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यू काम करने वाले हैं। और दोस्तों आज से हम एक चैलेंज रख रहे हैं कि मुझे भाई 100 दिन में जोमेटो से 1,00,000 रुपए कमाना है। बहुत ही अर्जेंट जरूरत है, मुझे अपनी सिस्टर की शादी में देना है। आज से हमारा चैलेंज यही रहेगा कि हमें जोमेटो से 100 दिन में 1,00,000 रुपए कमाना है और मुझे अपनी सिस्टर की शादी में देना है। तो ये हमारा भाई फर्स्ट चैलेंज है। कॉपी में हम कैसे कैसे लिखते रहेंगे वो आपको दिखा देते हैं। इसमें देख सकते हो आप, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम और इसके बाद में ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, यहाँ पे भाई टाइम, यहाँ पे घंटे और यहाँ पे टोटल अर्निंग और खर्चा जो हम फील्ड में खर्चा करेंगे वो, और भाई पेट्रोल सब कुछ भाई खर्चा इसमें लिखा जाएगा और टोटल अर्निंग इसमें लिखी जाएगी। और जो दिन हम भाई कंप्लीट करेंगे उस पर हम इस तरीके से गोला कर देंगे। जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है तो यहाँ पे भाई हम गोला बना दे रहे हैं, ये तो ये हमारा फर्स्ट डे हो गया भाई। तो इस तरीके से हम जितने दिन कंप्लीट कर देंगे उतने दिन हम इस तरीके से इसमें गोला बना देंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है तो हमने भाई गोले पे निशान लगा दिया है गोल गोल। हम अपनी पहले गिग बुक कर देते हैं और आपको गिग दिखा देते हैं कितना इंसेंटिव मिल रहा है। दोस्तों हमारे जोमेटो ऐप पर हम जाते हैं भाई गिग पे। गिग पे जाने के बाद में आज भाई संडे 14 तारीख है, यहाँ से बुक करते हैं। 4 से 6 कर देते हैं और 6 से 8 और भाई 8 से 10, 10 से 11 ये हमने भाई 10 से 11 और 11 से 12 1, 2, 3, 4, 5 गिग हो गई भाई। पर जो हमारी गिग लगेगी लेट नाइट सेंटर कितना मिला है वो दिखा देते हैं आपके लिए। इसमें घटा देंगे, लेट नाइट में 2 घंटे काम किया था, 2 ऑर्डर कंप्लीट किए थे, 147 रुपये सबसे लास्ट में घटा देंगे हम 147। जो हमारे लिए भाई डिनर में इंसेंटिव मिला है वो देख लो भाई, 6 गिग कंप्लीट करना है, 14 ऑर्डर कंप्लीट करनी है, 240 रुपये मिलेंगे हमारे लिए। तो ये भाई टारगेट लेना है हमारे लिए, रात के 2 बजे तक हमारी भाई 6 गिग कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों हमने अपनी गिग तो बुक कर दी है, अब मिलते हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के साथ में फील्ड में। बाइक देख लो भाई कितनी चली हुई है, 32,525। अब लास्ट में देखते हैं कितनी चलती है। दोस्तों हम आ गए भाई फील्ड में और टाइम हो गया, देखो भाई 4 बज गए। हम अपनी आईडी भाई ऑन कर देते हैं और देखते हैं भाई सेल्फी मांगता है या नहीं मांगता है। यहाँ से भाई ऑफलाइन है, ऑनलाइन कर देते हैं, हो जा भाई। तो ये देखो भाई अभी सेल्फी नहीं मांगी है इसने, 2-3 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में देखते हैं भाई सेल्फी मांगता है या नहीं मांगता है। रात के 2 बजे तक कंटिन्यू काम करेंगे और देखेंगे भाई ऑर्डर कैसे आते हैं, बैक टू बैक आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों ये भैया आए हैं, 2-3 दिन पहले मिले थे हमसे और कह रहे थे हमारे पास में जोमेटो की आईडी बनी हुई नहीं है, तो इनने भाई बनाई है, कल बनाई है अपने, परसों बनाई थी, तो भाई परसों इन्होंने आईडी बना ली है। जोमेटो के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं, कैश ले लिया है, एक आध दिन काम हो गया काम करते हुए, कैश लो पहले, ऑर्डर आ गया भाई। देखो भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है, अगर आई एफ आपका खुला हुआ है तो इसमें भाई ऑर्डर शो नहीं करेगा, ये देखो भाई ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हमें पीछे बैक करना है, यहाँ से बैक करने के बाद में दोबारा ऐप पे जाएंगे हम, उसके बाद में ऑर्डर शो करता है। ये देखो भाई 39 का ऑर्डर आया है, पिकअप लोकेशन भाई पास से ही है, ड्रॉप लोकेशन है 3.25 km। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट, ऑर्डर भाई एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ से ही पिकअप करना है। तो भाई इनको बता देते हैं थोड़ा, तो इसमें तो भाई पॉकेट लिमिट है, इसमें पे करो रुपए, पे करो 1500 रुपए, पे करो इसमें 1500 रुपए हैं पेटीएम में ना, तो हैं तो फिर आईडी कैसे चालू होगी भाई, बताया कैश दिए थे ना उसने, तो कैश दिया था वही तो घट जाएगा इसमें भाई, वो इसमें पड़ेगा हाँ डालना पड़ेगा। हाँ अगर जोमेटो की आईडी चला रहे हो तो कम से कम अकाउंट में 5000 रुपये होना चाहिए। अरे यही तो बात है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार कैश दे देता है। अब आपके पास में एक ही ऑर्डर आया होगा ये 1500 का कैश का है, तो आपको पे करनी है, नहीं तो माइनस होगी आईडी, बंद पड़ी रहेगी अभी ये भाई। जोमेटो की आईडी चलाओ या स्विगी की चलाओ, कम से कम 3-4 हज़ार या 5 हज़ार अकाउंट में होना चाहिए भाई। इसके बारे में बता देते हैं, गिग के बारे में भाई पूछने के लिए आए हैं। देखो यहाँ से जब गिग के ऑप्शन पे जाओगे उससे पहले जो आपको इंसेंटिव दिखा रहा है, जैसे ये इंसेंटिव दिखा रहा है, इस पर आप टैप करोगे, उसके बाद में टैप करने के बाद में ये डिटेल लिख के आ जाती है कि 7 बजे से 11 बजे तक डिनर का है ये 400 रुपये, मतलब डिनर का है ये, फुल डे का दिखाते हैं ये है। देखो इसमें आपको नीचे लिख के आ जाता है ये लॉगिन टाइम, आपको 12 बजे से 4 बजे तक 3 घंटा देनी है, 7 बजे से 11 बजे तक 3 घंटा देनी है, जब मैन टाइमिंग इनकी जाए काम करो उससे, मतलब इतना टाइम होना चाहिए। गिग है टारगेट 7 गिग कंप्लीट करना है, 18 ऑर्डर तब 400 रुपये मिलेंगे, इनका ये सिस्टम है। जहाँ से ध्यान रखना है 9 बजे से 3 बजे तक इतना टाइम चाहिए ना, और 7 गिग कितने भी टाइम बुक कर दो उससे उन्हें कुछ भी मतलब ना है, ठीक है। इन्हें इतना टाइम चाहिए 9 से 3 बजे तक, कितनी गिग चाहिए 7 गिग, 7 गिग पर 400 रुपये मिल जाए। हाँ 9 बजे से 7 गिग करनी है, तो ऐसे कर दो जैसे 10, 11, 12,
12 से 4 तक, फिर 2 घंटा रेस्ट कर लो, 7 से 1 2 3 ऐसे 7 के कर दो। ये जो ध्यान रखियो, जो लॉगिन टाइम जब बुक करो ना उससे पहले ये लॉगिन टाइम देख लिया करो, ये चेंज हो के आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई से बात करने में 2-3 मिनट लेट हो गए, इसको भाई पिकअप कर लेते हैं। लो भाई इधर से तो ये आ गए भाई, ये है सामने रेस्टोरेंट। अब भाई लोकेशन रीच करते हैं, देखते हैं रेडी है नहीं है भाई। ऑर्डर भाई रेडी है, चलो भाई इसको पिकअप कर लेते हैं। ऑर्डर रेडी बताते हैं, 2956 दे दियो भैया, 2956 2956 चलो भाई इसको पिकअप कर लिया है हमने। और ये ऑर्डर भाई कहाँ देना है, सेक्टर 71 में देना है भाई। भाई आज बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करना है, कम से कम 11-12 सौ को काम। मौसम देख लो भाई, मौसम बहुत ही मस्त है और भाई बारिश नहीं हुई है दिन में, बहुत ही ठंडा मौसम रहा है आज भाई। ऑर्डर तो भाई ले लिया है, अब चलते हैं भाई ऊपर, और ये ऑर्डर देना है मुझे भाई सेकंड फ्लोर पे। चलो भाई चलते हैं। भाई दे दिया है, इसको कर देते हैं डिलीवर, हो जा भाई डिलीवर। इसमें मिले थे भाई हमारे लिए 41 रुपये, नेक्स्ट कर देते हैं। लो भाई न्यू ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। अब 35 का ऑर्डर आया है और पिकअप लोकेशन है भाई 1.5 किलोमीटर, और इसकी भाई ड्रॉप लोकेशन है 2.5 किलोमीटर। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट, हो गया भाई एक्सेप्ट। हीरा स्वीट से पिकअप करना है भाई, सेक्टर 51 की मेट्रो से। हम आ गए दोस्तों रेस्टोरेंट के पास में, ये है भाई हीरा स्वीट, इधर से पिकअप होगा ऑर्डर। बढ़िया भाई, इधर बाइक लगी होंगी जोमेटो राइडर होगी, देखो। चलो भाई देखते हैं रेडी है नहीं है, रेडी है भाई, चलो पिकअप करते हैं। 73-24 हो गया भैया, जे एम अरोमा में देना है भाई, सेक्टर 75। चलो भाई रख लेते हैं इसको, अब चलते हैं भाई। हम आ गए भाई सोसाइटी के पास में, बाइक कहाँ पर लगा दें भाई हम, इसमें सामने देना है भाई, और इसमें यहाँ पर लगा दें, अंदर बाइक अलाउ नहीं है। और टावर देख लेते हैं भाई, डी टावर है भाई। चलो OTP डलवाना है हमारे लिए तो केवल। दोस्तों ऑर्डर तो हमने दे दिया है भाई 9th फ्लोर पे, अब भाई इस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। ऑर्डर भाई डिलीवर हो गया है, इसमें हमारे लिए मिले थे भाई 34 रुपये, नेक्स्ट कर देते हैं भाई। न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं, न्यू ऑर्डर आ गया है 37 रुपये का। इसकी पिकअप लोकेशन है भाई 1.5 किलोमीटर, और भाई ड्रॉप लोकेशन है 3 किलोमीटर। कर लेते हैं भाई इसको एक्सेप्ट, चलो भाई इसको पिकअप करने चलते हैं। लो भाई हम आ गए पिकअप लोकेशन पे, देखते हैं रीच करके रेडी है नहीं। तो इसमें भाई ये ऑर्डर पहला मिला है जिसमें भाई 5 मिनट वेटिंग टाइम दे रहा है, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, यहाँ से पिकअप करना है। दोस्तों ये भी ऑर्डर भाई हमने कंप्लीट कर दिया है, ये भाई कैश का ऑर्डर था 317 रुपये। अरे भाई हुआ है नया अभी, हाँ ऑर्डर हुआ है नया अभी भाई। अरे इनसे पूछ रहे हैं भाई ऑर्डर हुआ है ना अभी, बता दो भाई, ने ट्रांसफर कर दें इसे भाई। हम अरे सर इसको कस्टमर की कॉल आ रही है, कह रहा है रेडी ऑर्डर। है भैया ऑर्डर है कितना टाइम लग जाएगा, कस्टमर की कॉल चल रही है, बात कर लो आप लोग। हेलो हेलो, जी जी अरे तो हमें बता देते आपको, कब से हम इंतजार देख रहे हैं, आध घंटा से ऊपर हो गया। 491 दिया भाई, कौन सा है। दोस्तों 46 मिनट लेट हो गया, अभी तक कोई हमारे पास में ऑर्डर नहीं आया है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई। आपके लिए जाना है हेल्पर,
हेल्पर जाने के लिए लाइव ऑर्डर पे जाना है। लाइव ऑर्डर पे जाने के बाद में रेस्टोरेंट डिलेइंग ऑर्डर यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद में ये देखो ट्रांसफ़र ऑर्डर टू अदर पार्टनर यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद में यहाँ पे लिख के आएगा ट्रांसफ़र ऑर्डर टू अदर पार्टनर यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद में ये देखो भाई दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया है आपके लिए दोस्तों। ऐसे ऑर्डर ट्रांसफ़र करना है इस तरीके से मैंने अभी किया है जस्ट। और ये 47 मिनट हो गए, 47 मिनट बाद भाई ऑर्डर कोई भी हमारे लिए नहीं दिया है ठीक है। एक भाई नया ऑर्डर आ गया हमारे पास में 20 रुपये का, ये भी मैंने भाई एक्सेप्ट कर लिया है। चलो भाई रेडी है, इसको चल के पिकअप करते हैं। और भाई रेस्टोरेंट वालों ने बहुत ही टाइम ख़राब करवा दिया बेहद से ज़्यादा। और भाई गिर गई, उठिए भाई कह रही हो। और पीछे हटाइए भाई, श्याला भाई हो गई पार भाई, बाइक और गिर गई भाई। आज भाई इसने माइंड खराब कर दिया। तो आपको भाई ये ध्यान रखना है, आपसे कहेंगे मिल जाएगा ऑर्डर, मिल जाएगा मिल जाएगा। अब वो भाई एक घंटे बाद जब मैंने देखा तो दूसरा पार्टनर उसको लेके जा चुका था। बताओ भाई क्या रेस्टोरेंट वाले ड्रामा कर रहे हैं भाई, को ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये भी ऑर्डर भाई रेडी है, चलो भाई इसको पिकअप कर लेते हैं भाई। यहाँ से पिकअप करना है ये सामने से भैया 0893। हाँ है भाई, अरे भाई ऑर्डर कौन दे रहा है? 0893 ये रखा है। हाँ पिकअप मार दो, नंबर बताना ऑर्डर का। ठीक है, हाँ सुमित राइडर ब्लॉक्स, सुमित राइडर ब्लॉक्स। चलो भाई इसको पिकअप कर लिया है हमने। और ये ऑर्डर भाई कहाँ देना है? ये है भाई पास का ही ऑर्डर है, गए लोकेशन पे, यहाँ एंट्री कराना है भाई। एंट्री कर दियो, एंट्री A2 टावर पीछे ही तो है। बाइक नहीं जाई, बाइक चलो भाई। सोल में फ्लोर पे जाना है भाई, लो भाई दाब दिया सोल है। और ये भाई कैश का ऑर्डर है हमारे लिए, लेना है भाई 116 रुपये। ऑर्डर तो भाई दे दिया है, अब इस ऑर्डर को हम डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर भाई डाटा चल ही नहीं रहा है, तो भाई नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ से कैश कलेक्ट कर लेते हैं। लो भाई ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। लो भाई इसमें मिले थे हमारे लिए 26 रुपये। लो भाई नेक्स्ट कर दिया है, न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं। अब भाई हम आ गए भाई रेस्टोरेंट पे, सब वैसे ऑर्डर पिकअप करना है, इसको रीच करके देखते हैं भाई ऑर्डर रेडी है नहीं है, इसमें भाई वेट करना है। लो भाई सेल्फी मांग रहा है, सेल्फी दे दो पहले। चलो भाई इसको सेल्फी दे देते हैं दोस्तों। फिर सेल्फी देने के बाद में बहुत ही गर्मी थी, मैंने सोचा क्यों ना एक कोक पी लेते हैं। भैया ही दुकान पे गए थे, एक कोक लिया, वो हमारा कैमरा देख रहे थे, बहुत ही मस्त कैमरा बता रहे थे। कोक पीने के बाद में ऑर्डर रेडी हो जाता है, चलते हैं इसको पिकअप करने के लिए। दोस्तों ऑर्डर रेडी हो गया है, चलते हैं भाई इसको पिकअप कर देते हैं भाई। भाई 54.84 दे दियो। अरे भाई ले जाए, हो गया भाई पिकअप। जाना कहाँ है भाई? सेक्टर 79। हम आ गए भाई लोकेशन पे, और भाई पहले एंट्री करा लेते हैं। दोस्तों ऑर्डर तो दे दिया है, अब चलते हैं भाई, 0 दबा दिया है नीचे, और इस ऑर्डर को भाई कर देते हैं हम डिलीवर। देखो भाई कितने रुपए मिलते हैं इसमें, मुश्किल से होगा, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब आ गए भाई लिफ्ट से बाहर, अब तो होगा डिलीवर, अब भी नहीं होगा भाई। भाई इसमें हमारे लिए मिले हैं भाई 47 रुपये, नेक्स्ट कर देते हैं, न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं भाई। न्यू ऑर्डर आ गया भाई हमारे पास में 34 रुपये का, ये देखो भाई। चलो इसको पिकअप करने चलते हैं भाई हम। ऑर्डर आया है ना, रेडी है, 25.76 दे दियो भाई। हाँ यही है, ठीक है, हाँ ये इलेक्ट्रिक है। कितने चल जाती है, कितने किलोमीटर फुल चार्जिंग पे? 160। कितने की लई जो? 1,60,000। ऑर्डर पिकअप कर लिया है, इसको ठोंक देते चार्जिंग पर भाई, एंट्री कर दियो भाई। आ गए भाई सीट हमारे पास, इसमें देना है भाई। ऑर्डर कर दिया भाई डिलीवर, अब भाई न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं। लो भाई यहाँ पे बाइक लगा देते हैं। हम आ गए दोस्तों मॉल के अंदर,
ये है भाई स्पेक्ट्रम मॉल। दोस्तों ऑर्डर तो भाई पिकअप कर लिया है, ये देखो भाई नीचे से लेके आए थे और लिफ्ट सभी बंद है भाई, मतलब भाई नीचे जाना अंडरग्राउंड फिर ऊपर आना, लो ग्राउंड में था और अभी हम जो चल रहे हैं यहाँ पर ये है भाई ग्राउंड। चला जाना सबसे लास्ट में और नीचे की साइड। चलो भाई ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है भाई, इस ऑर्डर में थक गए थे बहुत। दोस्तों मुझे ध्यान नहीं रहा था, देखो भाई 11:59 हो रहे हैं, हमें भाई लेट नाइट में 2 गिग बुक करनी थी, देखो भाई हमने बुक कर दी है। अभी मैंने भाई टाइम देखा तो भाई अभी हम अगर टाइम नहीं देखते ना तो भाई ऐसी कम तैसी हो जाती सब, तो हम भाई बुक नहीं कर पाते, तो हमने भाई लेट नाइट में बुक कर दी है 12:00 और 1:00। 1 ही मिनट रह गया है, 1 मिनट, अगर 1 मिनट अगर अभी हम नहीं देखते ना तो भाई गिग बुक नहीं होती और जो हमारा इंसेंटिव है वो हमारे लिए नहीं मिलता फिर। अच्छा हमको सिखा रिया है। ऑर्डर तो भाई दे दिया है और इसमें शीशा देखो भाई कितना मस्त लगा है, देखियो भाई शीशा ठीक लग रहा है हम। चलो भाई इसको डिलीवर कर देते हैं ऑर्डर को, आ गए ग्राउंड पे, हो जा भाई डिलीवर। इसमें भाई 39 रुपये मिले थे, नेक्स्ट कर देते हैं। चलो भाई इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं, 12:00 के बाद ये पहला ऑर्डर हमारे पास में आया है 29 का। लो भाई बैक टी शर्ट की सेल्फी मांग रहा है, कल भी भाई इसी रेस्टोरेंट पे सेल्फी मांगी थी इसने, देखो भाई। चलो भाई इसको बैक टी शर्ट की सेल्फी दे देते हैं हम, इसको सेल्फी हमने दे दी है, देखो भाई अब सबमिट कर देते हैं। लो भाई 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर रेडी होगा। ऑर्डर भाई रेडी हो गया, चलो भाई इसको पिकअप कर देते हैं। तो भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है ठीक है। वो भाई एक अजीब रास्ता है शॉर्ट हम लोगों का, बहुत कम लोगों को पता है ये रास्ता। चलो भाई भाई ऑर्डर इसमें देना है। हेलो सर जोमेटो से ऑर्डर है, चलो भाई ऑर्डर दे दिया है, दिखा जा 25 रुपये मिले हैं भाई, न्यू ऑर्डर आ गया भाई, 20 का फिर आ गया भाई। यहाँ पे बाइक लगा देते हैं, रेडी है नहीं ये देख लेते हैं भाई एक बार, रेडी है भाई ऑर्डर। 16:34 दियो भाई अंकल, पूछो भैया। चलो भाई 2 पैकेट हैं जी, हो गया पिकअप। सेक्टर 41 में ही देना है, आ गए भाई ड्रॉप लोकेशन पे। ये लास्ट सेकंड है तो लास्ट पे आ गया मैं, वो भाई गिनने से बच जाएंगे। लाइट है नहीं भाई, 20 रुपये मिले हैं भाई, बस 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए इसमें। लाइट बंद कर लेते हैं, इसको जला लेते हैं पहले। 2 ऑर्डर आ गए भाई, 48 का ऑर्डर आया है, पिकअप लोकेशन 1.5 किलोमीटर और भाई ड्रॉप लोकेशन है 5.5 किलोमीटर। एक्सेप्ट कर लिया भाई, रेडी है भाई ऑर्डर, इसको भी पिकअप करके लाते हैं। 7966 आ गए भाई अमरपाली सफायर, इसी में ऑर्डर देना है, साइड से बाइक लगा देते हैं भाई। ये ऑर्डर पिकअप कर लिया है कदक सिंह ढाबा से, 33 रुपये का है, यहीं दिखा रहा है लोकेशन, सेक्टर 82 में देना है ये। आ गए भाई लोकेशन पे, ऑर्डर भाई दे दिया है, इसको भाई डिलीवर कर देते हैं। देखो भाई इसमें कितने रुपए मिलते हैं, हो जाए डिलीवर, 41 रुपये मिले हैं भाई इसमें, नेक्स्ट कर देते हैं। न्यू ऑर्डर का भाई वेट करते हैं और भाई हमने गो टू होम एक्टिव कर दिया है, पर देखते हैं भाई हमारी लोकेशन का ऑर्डर आता है या नहीं आता है। अभी हम सेक्टर 82 में,
आ गया भाई आ गया। लो हमारी लोकेशन का ऑर्डर आ गया भाई, 78 रुपए का ये ऑर्डर आया है और इसकी पिकअप लोकेशन है 5.5 किलोमीटर और भाई ड्रॉप लोकेशन है 8 किलोमीटर। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट। सेक्टर 45 से ऑर्डर पिकअप करना है। कर दिए ऑर्डर भाई, रेडी है ऑर्डर भाई, पिकअप कर लिया है। चलते हैं भाई इसको लेकर। आ गए भाई सोसाइटी के पास। इमें देना है भाई सी टावर में, OTP डलवाना है। चलो OTP डलवा देते हैं। 509-775 OTP है। हाँ कितना है? 509-775 775 हाँ। खोलिए भैया, ऑर्डर तो भाई दे दिया है और भाई 0 दबा देते हैं। चलते हैं नीचे। और भाई ये कैश का ऑर्डर था 337 रुपये, सर ने पे कर दिया है भाई। और टाइम देख लो कितना हो गया है भाई, 2:04। हम अपनी आईडी पहले ऑफ करते हैं, उसके बाद में भाई हम ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। टारगेट हो गया है और हमारी शिफ्ट भी भाई कंप्लीट हो गई, पर 2:15 पे अपने आप ही आईडी बंद होगी अगर हम नहीं करेंगे इस ऑर्डर को। अगर हम डिलीवर कर देते ना तो भाई तुरंत ही ऑर्डर आ जाता हमारे पास में। लो भाई अब डिलीवर करते हैं। अब देखो भाई इसमें कितने रुपए मिलते हैं। 78 का ऑर्डर आया था हमारे लिए भाई, 75 रुपये मिले हैं। नेक्स्ट कर देते हैं भाई, गो टू। लो भाई आ गए नीचे। 78 का ऑर्डर आया था, 75 रुपये दिए हैं क्योंकि हमने थोड़ा रॉन्ग साइड मार दिया था। 15-20 मिनट हमें रूम पर लग जाएंगे भाई पहुंचने में। दोस्तों आज हमारा फर्स्ट चैलेंज था, बहुत ही अच्छी तरीके से भाई कंप्लीट हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जहाँ कैमरा है वहाँ अगर रॉन्ग साइड चलोगे तो भाई फिर तो चालान मिलेगा, दूसरे दिन चेक कर लेना। जितने भी हमारे पास हम भाई ऑर्डर आए हैं बैक टू बैक, अरे भाई मौज कर दी जोमेटो ने। आज भाई संडे था, वैसे भी ज़्यादा हाई ऑर्डर थे। चलो भाई दोस्तों हम आ गए भाई रूम पर और भाई टाइम हो रहा है अभी 1:32, तो भाई काफ़ी टाइम हो गया है हमारे लिए। और भाई हम सुबह उठे थे भाई 10 बजे और रात में भाई हम सोए थे 4 बजे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग की थी थोड़ी बहुत अब कर देंगे भाई, वीडियो एडिटिंग हो जाएगी हमारी। और 6 बजे से हम अपनी आईडी भी भाई ऑन करेंगे। भाई टोटल हमारी कितनी अर्निंग हुई है वो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। 4 बजे से रात के 12 बजे तक जो हमने काम किया था, 147 अगर हम इसमें हम घटाएंगे, 8 घंटे में हमारे लिए 733 रुपये बचे थे। 12 बजे से 2 बजे तक लेट नाइट में हमने काम किया था, उसमें भाई 245 का काम हुआ था, 6 ऑर्डर कम्प्लीट किए थे। इसको जोड़ देते हैं हम। इसको जोड़ने के बाद में देखो भाई 733 + 245 978 का काम हुआ था हमारा भाई 10 घंटे में 978 का काम हुआ था। और भाई 250 रुपये अगर इसमें हम माइनस कर देंगे भाई खर्चा और भाई पेट्रोल, 10 घंटे में जो टोटल हमारी बचत हुई है वो हुई है भाई 728 रुपये। तो भाई बहुत ही कम अर्निंग हुई है और ये हमारा भाई फर्स्ट चैलेंज था। हमारा भाई फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो गया है और हम कॉपी में लिख देते हैं भाई इतना इतना हमारा काम हुआ था। इसमें दोस्तों टोटल हमने लिख दिया है, 7 PM से 2 AM तक हमने भाई आईडी ऑन करी थी अपनी, 10 घंटे आईडी ऑन करी थी, 978 का काम हुआ था और 250 रुपये भाई खर्चा हमारा और 728 रुपये हमारे लिए बच गए थे। इसमें भाई टोटल दिखा दिया। अब भाई दूसरे दिन का टारगेट होगा, तीसरे दिन का होगा, इस तरीके से हम डेली लिखते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और नए हो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आज से वैसे भी भाई हमने हार्ड वर्क करना चालू कर दिया है, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा 100 दिन का चैलेंज है, हम भाई कोशिश करेंगे कि हमारी एक भी दिन की छुट्टी ना हो भाई, डेली रेगुलर हम 100 दिन काम करें। देखते हैं भाई टोटल हमारा जो टारगेट है वो होता नहीं होता है, तो किसी दिन हम ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 घंटे काम किया है तो किसी दिन हम 15 घंटे भी काम करेंगे, 16 घंटे भी काम करेंगे, सब कुछ आपको टोटल दिखाएंगे भाई। तो हमारा भाई फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।